Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Math by BK Sir Day 39. Guys, page number 30 पे आइए. Exercise 2.3 हमारी चल रही है. Solve the following equations and check your result. दिए गए equations को solve कीजिए और check your result और अपने result को check कीजिए. Solutions देखिए guys. 2 into अच्छा ये बाई है ऐसा करते हैं जिनके नीचे कोई डेनोमिनेटर नहीं है अपन 1 डेनोमिनेटर मान लेते हैं जिनके नीचे कोई डायनोमीटर नहीं होता 1 मान लेते हैं. अब हम क्या करेंगे बाई बाई को एक तरफ कर लेंगे 2 by 1 और ये माइनस का आएगा इधर प्लस का हो जाएगा वाई प्लस वाई अपॉन 1 26 अपॉन 3 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 3. एनी प्रॉब्स गाइस यहां तक कोई दिक्कत ओके. अब एलसीएम लेंगे हम 1 का हमने एलसीएम लिया 2y plus y और इधर एलसीएम लिया 3 आया 26 माइनस 5. आप क्या करेंगे गाइस ये हो गया 3y अपॉन 1 ये क्या हो गया गाइस 26 में से 5 को लेस किया तो 21 अपॉन 3 हो गया. अब हमें क्या करना है गाइस क्योंकि अगर इधर y होता तो हम इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. अब ये जो ये 1 है ना वो ऊपर चल जाएगा यहाँ पर यानी 3y की वैल्यू निकालने के लिए 21 इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा ओके. अब हम काट लेंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21 ये आया 7. अब हमारा क्या हो गया अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 7 अपॉन 3 हमारा आएगा ये हमारा आंसर आया. अब चेक का रिजल्ट करना है अब आप देखिए 2 into 7 upon 3 प्लस 5 upon 3 इक्वल 26 upon 3 और माइनस 7 upon 3. अब गाइस कोई डेनोमीटर नहीं है 1 लगा लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 7 2 14 upon 3 प्लस 5 upon 3 इक्वल 26 upon 3 माइनस 7 upon 3. आप क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे इधर मैं कर लेता हूँ इधर जगह नहीं है तो इधर कर सकता हूँ मैं. हमने 3 एलसीएम लिया तो ये हो गया 14 प्लस 5 और इधर हमने 3 एलसीएम लिया तो ये हो गया 26 अपॉन 7. आप देखिए 14 और 5 कितना होते हैं 19 अपॉन 3 26 में से 7 हटा दो 19 अपॉन 3 बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के यही तो हमें प्रूव करना है. हैंस इट्स प्रूव्ड ये सिद्ध करना है कि 19 अपॉन 3 भी इधर है और 19 अपॉन 3 इधर है ओके. यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था जगह नहीं थी इसलिए मैंने चेक द रिजल्ट इधर ले लिया कोई कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आप देखिए इसको हल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे डायनोमीटर रखिए सॉल्यूशन 3m upon 1 = 5m upon 1 - 8 upon 5. अब इसको इधर ले आएंगे 3m upon 1 - 5m upon 1
इक्वल माइनस 8 अपॉन 5। अब क्या करेंगे हम गाइस, 1 का एलसीएम लिया हमने तो ये 3m माइनस 5m इक्वल माइनस 8 अपॉन 5, तो माइनस 2m अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, माइनस 8 अपॉन 5। अब गाइस हम क्या करेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है 1 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम माइनस एम का वैल्यू निकालने के लिए, एम का वैल्यू निकालने के लिए माइनस 8 अपॉन 5 इंटू माइनस 2 कर देंगे। ओके, तो कैसे होगा ये, माइनस 8 और 5 टू जा 10, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया और 4 अपॉन 5 हो गया। एम की वैल्यू क्या आई, 4 अपॉन 5, ये हमारा आंसर आया। अब हमें क्या करना है, चेक द रिजल्ट। चेक द रिजल्ट करना है कैसे, देखिए 3 एम की वैल्यू निकालना है, 4 अपॉन 5 इक्वल 5, एम की वैल्यू निकालना है इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5, 4 3 जा 12, 12 अपॉन 5 इक्वल 5 4 जा 20 और 5 माइनस 8 अपॉन 5, ये हमारा आया। अभी चेक द रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कर सकते हैं हम, जगह नहीं है तो 12 अपॉन 5 इधर तो है, अब इधर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 और 20 में से माइनस 8 कर देंगे, तो 12 अपॉन 5 20 में से 8 गया तो इधर भी आ गया 12 अपॉन 5, यही हमारा है LHS इक्वल टू RHS। गाइस सबसे पहले हमको M का वैल्यू निकाला, M का वैल्यू निकालने के लिए चूंकि ये वेरिएबल है इसलिए M यहाँ रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा माइनस इसमें, तो माइनस 8 अपॉन 5 इंटू माइनस 2, माइनस 8 ऐसा कैसा ही, 5 टू द 10 माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, इनको हमने क्रॉस किया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, चेक द रिजल्ट किया, LHS इक्वल टू RHS। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।